नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक में गुरुजी में। दोस्तों, हम यहाँ पे फिर से बात करने आ चुके हैं डीवी एंड मेडिकल के शेड्यूल के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आरबी जेई 2019 सीईएन नंबर 03/2018 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर आपका डीवी एंड मेडिकल एग्जाम का शेड्यूल आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों कई ऐसे जोन है जिसका शेड्यूल आ चुका है, यहाँ पर दो ऐसे जोन और हैं जिनका शेड्यूल आ चुका है आपका। लगभग यहाँ पे देखिए 8 से 9 जोन का शेड्यूल आ चुका है, और यहाँ पे जो दो आपके नए जोन अपडेट किए गए हैं जिसमें आपका तिरुवनंतपुरम और फिर दोस्तों आपका चेन्नई जोन है, चेन्नई बोर्ड है, जहाँ का आपका डीवी का शेड्यूल आ चुका है और मेडिकल एग्जाम डीवी के एक दिन के बाद होने वाला है। तो फिर सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं, अभी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी नई नोटिस हो, सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको आना होगा आरबी चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए सामने ओपन कर दिया हूँ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई। तो दोस्तों आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके होम पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे नीचे के सेक्शन में आपको आना होगा जहाँ पे आपका जेई की भर्ती के बारे में डिस्कस किया गया है, उसके बारे में बताया गया है आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं सीईएन नंबर 03/2018 का मैं नोटिस यहाँ पे आपके सामने ओपन कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पर पहला कलम में लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन शेड्यूल। इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए एक पीडीएफ अभी ओपन हो जाएगा, जिसको आपको देखना है वो पूरा पीडीएफ आपका वही है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल को लेकर वहाँ पे पूरा बताया गया है। चलिए मैं इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं क्या आपके लिए इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी गई है। तो फ्रेंड्स ये आपका पीडीएफ फॉर्मेट पूरा ओपन हो चुका है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे भर्ती बोर्ड चेन्नई। जी हाँ फ्रेंड्स, सीएन नंबर 03/2018 यहाँ पर देखिए शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। नंबर वन पर लिखा हुआ है द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाज पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरबी चेन्नई ऑन 2/11/2019। तो फ्रेंड्स ये पूरा आपका जितने लोग कैंडिडेट्स जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे चेन्नई बोर्ड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जाम के लिए, उनका 2 तारीख को अपलोड कर दिया गया था ऑफिशियल वेबसाइट पर। और फिर दोस्तों ये आपका डीवी का शेड्यूल अब जारी किया गया है। अब देखिए दोस्तों नीचे आएंगे, देखिए आपका पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। Further to the above, the document verification schedule for the all solicited candidates, these candidates are advised to report to Railway Recruitment Board, Chennai. आपका सो एड्रेस लिखा हुआ है नंबर 5 डॉक्टर पी वी चेरियन क्रिसेंट रोड नियर इधर, आपका जो भी एड्रेस यहाँ पे देखिए आप देख लीजिएगा इसको। और दोस्तों आपके जो आपका एग्जाम शेड्यूल का टाइम मिला हुआ है, डेट मिला हुआ है, जो आपके मैंशन किए गए हैं नीचे, उसी के अकॉर्डिंग आपको पहुँचना होगा। नंबर 3 पे देखिए क्या है, SMS ईमेल अलर्ट्स आर बीइंग सेंड टू कैंडिडेट्स। आपको दोस्तों जो आपने मोबाइल नंबर वहाँ पर रजिस्टर्ड करवा रखा है, जो फॉर्म भरते समय आपने अप्लाई करते समय फिलअप कर रखा था, उस पर आपके मैसेज पहुँच गया होगा, या फिर दोस्तों आपके ईमेल पे भी आपका यह पूरा नोटिस पहुँच चुका होगा। अब देखिए दोस्तों फिर अगला क्या लिखा हुआ, इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आर एज बिलोज। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका इंक्लोज कर दिया गया है पूरा आपका इन्फॉर्मेशन मेडिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। आपको पता होगा फ्रेंड्स, आपका जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एग्जाम होगा, आपको जो यहाँ पे डेट मिलेगा और टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको करवाया जाएगा, और इसके बाद उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ठीक एक दिन बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और दोस्तों मेडिकल एग्जाम के लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वही आपका मेडिकल मेमो आपको मिल जाएगा मेडिकल हॉल में। और फिर दोस्तों आपको जहाँ पर मेडिकल आपका पड़ेगा, अगर वो एक रेलवे अस्पताल तय करते हैं जहाँ पर आपका मेडिकल होगा, सबका वहीं पे हो जाएगा। अगर 2-3 बनाते हैं सेंटर, तो आपको 2-3 सेंटर पे जहाँ भी वो आपको भेजेंगे वहाँ जाना पड़ेगा अपने मेडिकल के एग्ज़ाम के लिए। जरूरी नहीं कि जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी के आसपास में मेडिकल एग्जाम होगा, थोड़ा डिस्टेंस भी हो सकता है, इसलिए जहाँ भी जाएँ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयारी के साथ जाएँ, ताकि आपका मेडिकल एग्जाम अगर थोड़ा दूर पड़ता है तो कोई दिक्कत ना हो आपको वहाँ तक पहुँचने में। तो फ्रेंड्स देखिए आपका यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, तो पहला जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा वो 18 तारीख शुरू होगा, 18 नवंबर से। और फिर दोस्तों आपका देखिए यहाँ रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है 8:30 बजे का सुबह में, मॉर्निंग शिफ्ट का है ये। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये कैंडिडेट आपके दिए हुए हैं, इतने कैंडिडेट का आपका 18 तारीख को है मॉर्निंग शिफ्ट में। फिर इसके बाद देखिए 18 तारीख को ही ये आफ्टरनून शिफ्ट में, यानी दोपहर के बाद वाले में शिफ्ट में है, जिसका रिपोर्टिंग टाइम दोस्तों लिखा हुआ है 13 आवर्स का, यानी दोस्तों आपका 2 बजे का है, 1 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दोस्तों इसका है 18 तारीख को आफ्टरनून में, 1 बजे का रिपोर्टिंग टाइम आपको मिल रहा है। इसके बाद देखिए फिर आपका 19 तारीख का होगा सुबह में मॉर्निंग शिफ्ट में 8:30 बजे, फिर दोपहर में आपका 1 बजे शुरू होगा। दोस्तों इसी तरह से आपको देखिए पूरा आपका शेड्यूल बनाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और मेडिकल एग्जाम का, इसके एक दिन के बाद तुरंत होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है, टोटल कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्जाम के लिए, वो है 1888 ओनली। दोस्तों यहाँ पे 1808 ओनली कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे आरबी चेन्नई में। और फिर दोस्तों इसके एक दिन बाद इनका मेडिकल एग्जाम होगा, उसके लिए भी वो प्रिपेयर होकर जाएंगे। इसके अलावा जो कैंडिडेट दोस्तों एबसेंट हो जाते हैं उनको ब्लॉक डेट क्या मिल रही है, देखिए डीवी के लिए ब्लॉक डेट क्या मिल रहा है आपको वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, 27/11/2019 और 13/12/2019, यानी 27 तारीख को दोस्तों आपका
एक ब्लॉक डेट है, फिर 13/12/2019 को एक ब्लॉक डेट है। फॉर द कैंडिडेट हु आर एबसेंट फॉर डीवी फ्रॉम 18 to 26, जो 18 से 26 के बीच में दोस्तों एबसेंट होंगे डीवी में, उनको जो ब्लॉक डेट मिली हुई है वो 27 तारीख की मिली हुई है, और जो 27 तारीख के बाद 28 तारीख से लेकर बाद दिसंबर तक में एबसेंट होंगे उनको जो ब्लॉक डेट मिली हुई है वो 13 दिसंबर 2019 है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ब्लॉक डेट में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने डेट में डीवी में एबसेंट हो जाते हैं तो। इसके अलावा फ्रेंड्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपको जो लेके जाने हैं ओरिजिनल में, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो भी दोस्तों यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है आपके डीवी शेड्यूल के नीचे ही आपको पूरा मेंशन कर रखा है जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाने हैं ओरिजिनल में, और दो सेट आपको ले जानी है फोटोकॉपी, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ये दोनों आपको लेके जाना है तो ये दोनों आप सही से वेल प्रिपेयर कर लीजिए, जिसका अभी तक कोई पत्र कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है वो बनवा लें ताकि दोस्तों कोई दिक्कत ना हो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका एक वीडियो बना के अपलोड पहले ही मैं कर चुका हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए एसेंशियल और आपके लिए नेसेसरी हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल का एक टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है जो इसी चैनल आपके यूट्यूब चैनल के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम अगर आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे सर्च कर लेंगे ये नाम तो आपको चैनल मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप दोस्तों डेली न्यूज़पेपर चाहते हैं, ई न्यूज़पेपर, या फिर दोस्तों कोई भी नए अपडेट चाहते हैं तो वहाँ पे हमेशा आपको प्रोवाइड होती रहेंगी, तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं अगले जोन के बारे में जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, IRB तिरुवनंतपुरम। वहाँ का भी डीवी शेड्यूल आ चुका है, उसको भी हम देख लेते हैं कैसे कैसे उसका डीवी शेड्यूल होने वाला है और क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स ये आपका मैंने ऑफिशियल वेबसाइट IRB तिरुवनंतपुरम का ओपन कर दिया है, ये इसका दोस्तों होम पेज देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड तिरुवनंतपुरम। इसमें दोस्तों आप नीचे के सेक्शन में आइएगा तो फिर आपको उसकी लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। यहाँ पे देखिए आप लेटेस्ट न्यूज जब ओपन करेंगे आप यहाँ पर देखिए तो आपको सबसे पहला पॉइंट मिल जाएगा शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर JEE पोस्ट अगेंस्ट CEN नंबर 03/2018। सिंपली आपको इस पर दोस्तों क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद पूरा आपका जो शेड्यूल बन के आया हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो आपके सामने ओपन होने वाला है। चलिए मैं आपके सामने ये ओपन कर देता हूँ और देखता हूँ क्या यहाँ पे शेड्यूल बनाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स आपके सामने देखिए ओपन कर दिया हूँ, ये आपका PDF फॉर्मेट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिवेंद्रम CEN नंबर 03/2018 शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम 18/11 to 27/11/2019। दोस्तों 18 नवंबर से लेकर आपको 27 नवंबर तक चलने वाला है ये पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल त्रिवेंद्रम में। और देखिए सर क्या पॉइंट लिखे गए हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर, द शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV फॉर द प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ऑफ द फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। जो दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल बन के आया हुआ है ये आपका 18/11/2019 से 27/11/2019 तक चलने वाला है। रोल नंबर्स और नॉट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, और जो दोस्तों आपके रोल नंबर यहाँ पर लिखे गए हैं वो आपके मेरिट के बेस पे नहीं लिखे गए हैं, ये आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा कि आपके जो रोल नंबर लिखे हुए हैं वो मेरिट के आर्डर पे लिखे हुए हैं, ऐसा कोई दोस्तों यहाँ पे डाउट नहीं लाना है। या कि बस नॉर्मली ऐसे रोल नंबर लिख दिए गए हैं जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनका 18 से 27 तक के बीच में शेड्यूल निर्धारित किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी हेल्ड इन द ऑफिस ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। जो आपको त्रिवेंद्रम का ऑफिशियल आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ऑफिस है वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, जिसका एड्रेस यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये एड्रेस आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों आपका ई कॉल लेटर जो होगा उस पर भी आपका लिखा होगा पूरा एड्रेस, उसी एड्रेस आपको पहुँचना है, या फिर दोस्तों आपके ईमेल पे और SMS के द्वारा आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज सेंड कर दिया गया होगा पूरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल के बारे में और उसके एड्रेस के बारे में। पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ दोस्तों, द मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी डन ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ DV। जिस दिन दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके एक दिन तुरंत बाद उसके जस्ट नेक्स्ट डे आपका मेडिकल एग्जाम करवाया जाएगा, इसलिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ही आपको मेडिकल मेमो में मेडिकल जो फीस आपके 24 रुपये रखी गई है वो आपको पे करनी पड़ेगी, वहाँ पे डिपॉजिट करनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों मेडिकल का एक एडमिट कार्ड मिल जाएगा, वो एडमिट कार्ड लेके आप मेडिकल एग्जाम में जाएंगे और फिर आपको पूरा मेडिकल का प्रोसेस जो होगा वो वहाँ पे किया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 4, कैंडिडेट्स विल बी एबल टू डाउनलोड देयर ई कॉल लेटर फ्रॉम DV। अगर दोस्तों आपको अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड करना है तो आपके त्रिवेंद्रम की ऑफिशियल वेबसाइट पे 8/11/2019 यानी 10 दिन पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 10 दिन पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होकर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं सब अपना बनवा लीजिए। जिसका अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ है वो प्लीज़ डॉक्यूमेंट को बनवा लें। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं इसका भी वीडियो को प्रोवाइड किया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिला हुआ है, उससे आप वीडियो को देख सकते हैं पूरा समझ सकते हैं। कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका देखिए डेट ऑफ DV 18/11/2019।
18/11/2019 को रिपोर्टिंग टाइम जिसका 9:30 का रहेगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए काफ़ी कम कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, यहाँ पे वैकेंसी भी कम थी इसलिए कैंडिडेट कम है। और दोस्तों बहुत ही स्मूथली यहाँ पे डीवी होने वाला है। देखिए आपके 10 कैंडिडेट बुलाए गए हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, फिर 10 कैंडिडेट बुलाए गए हैं आपके इवनिंग शिफ्ट में जिनका रिपोर्टिंग टाइम 10:30 का है। और इन्होंने दोस्तों एक बार में कई बैच बना रखे हैं, 9:30 है, फिर 10:30 है, 11:30 है, हर घंटे पर दोस्तों इन्होंने कई बैच बना रखे हैं जिसमें आपको 10-10 कैंडिडेट को बुलाया गया है ताकि ईजिली दोस्तों यहाँ पर हो सके पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स देखिए आपका 9:30 रिपोर्टिंग टाइम, 10:30, 11:30 आपके त्रिवेंद्रम में, फिर दोस्तों आपका 1:30 से है आपका 18 तारीख को ही, फिर 18 को 2:30 है, फिर दोस्तों 19 को आपका 9:30 है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक दिन में दोस्तों इन्होंने 5 बैच बुला रखे हैं, 5 बैच इन्होंने बना दिया है 5 टाइमिंग का ताकि पर डे जो है आपके लगभग 50 कैंडिडेट को यहाँ पे 50 से लगभग दोस्तों अगर हम बात करते हैं देखिए लगभग 45 से 50 कैंडिडेट का यहाँ पर डे डीवी यहाँ पे खत्म होने वाला है। और फिर मेडिकल एग्जाम में भी स्मूथली जा सकेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब यहाँ पे 10-10 लोगों का बैच निकलता रहेगा हमेशा तो कोई भी यहाँ पे भीड़ नहीं होगी, ज़्यादा दोस्तों प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, आराम से यहाँ पे डीवी सबका हो जाएगा। तो देखिए फिर 19 को आपका दोस्तों होने वाला है, 19 के बाद फिर दोस्तों 20 को है सबका डीवी का पूरा डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा जो दोस्तों को मिलती है ब्लॉक डेट, जो कैंडिडेट यहाँ पे एबसेंट हो जाते हैं, मान लीजिए उनका डीवी आपका 19 को है और 19 को किन्हीं कारण बस आप नहीं पहुँच सकते, चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, या आपको कोई प्रॉब्लम हो आप नहीं पहुँच पाए हैं, तो आपको एक ब्लॉक डेट मिलेगा जिस डेट में आपको जाना होगा अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और फिर उसके तुरंत एक दिन बाद आपका मेडिकल एग्जाम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनको ब्लॉक डेट आपको मिला हुआ है यहाँ कैंडिडेट्स के लिए वो है 27/11/2019 को जो भी कैंडिडेट अगर कभी भी पूरे डीवी में कभी एबसेंट रह चुका है या फिर दोस्तों प्रेजेंट नहीं हो पाया है किसी भी रीज़न की वजह से, तो 27/11/2019 को उसे रिपोर्ट करना होगा अपने दिए हुए एड्रेस पे ताकि दोस्तों उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम हो सके। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं पूरी लिस्ट आपकी आपके एडमिट कार्ड के नीचे पूरा मेंशन किया होगा, वो सब डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिएगा। और फिर दोस्तों अगर उससे पहले आप देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बन चुकी है उसको आप पूरा देख लीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा और हमेशा नए नए अपडेट पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।